यार आप सबको पता है कल मेरा कौन सा पेपर है? कल मेरा सेकंड लैंग्वेज का पेपर है। और आप सबको पता है मेरी सेकंड लैंग्वेज क्या है? मैंने सेकंड लैंग्वेज है ना मराठी ली है। देखो मेरे को मराठी समझ आती है, सब कुछ होता है, लेकिन है ना मेरे को मराठी एकदम फास्ट लिखना नहीं आती। और आप सबको तो पता ही है कि मराठी कितना फास्ट लिखना पड़ता है और वो कितना हार्ड होता है लिखने के लिए। ये देखो, ये रही मेरी मराठी की बुक। ये कितनी बड़ी है देख रहे हो? इंग्लिश की बुक भी इतनी बड़ी नहीं है मेरी। यही देख देख के मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है। और आप सबको पता है यार मेरा है ना इंग्लिश का पेपर तो चलो अच्छा गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन है ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मराठी का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे आप सब लोगों ने सेकंड लैंग्वेज कौन सी ली है? आई नो यार ऑल ओवर इंडिया में है ना हिंदी सेकंड लैंग्वेज ली जाती है, लेकिन है ना महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग है ना मराठी सेकंड लैंग्वेज लेते हैं। यार आप सबको पता है लाइफ में है ना कितना भी टेंशन क्यों ना हो, मेरा तो एक ही फंडा है, डांस करो उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा। और मेरा ये फेमस वाला डांस है, ये वाला। मैं क्या कर रहा, मैं बोला गया उसको कि भाई तू पढ़ाई मत कर डांस करते बट ऐसे थोड़ी होता है। अभी इतनी देर से पढ़ाई कर रही थी तब नहीं आए मम्मी पापा, जैसे दो मिनट मैंने मोबाइल क्या ले लिया तब आ गए। ऐसे ही होता है सबके घर में, इतनी देर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब नहीं आए आप दोनों, तब क्यों नहीं आए? अरे चल रखो मोबाइल, पढ़ाई कर चल। पापा ये बताओ ना आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी? मेरी अरे पापा बहुत होशियार थे पढ़ाई में। मेरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी। अच्छा हिंदी, तो मुझे एक बात बताओ ना पापा, मराठी में अगर ऐसे आया कि दुनिया का सबसे होशियार प्राणी इंसान के ऊपर अगर ऐसे लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो इंसान आज से 50-60 साल पहले इंसान क्या करता था, इंसान है ना पेपर की बैग यूज़ किया करता था, टोकरी लकड़ी की बनी हुई टोकरी, बैम्बू स्टिक की बनी हुई टोकरी यूज़ करता था, नारियल के जूट की बोरी यूज़ करता था, कपड़े की थैली यूज़ करता था। तो है ना फिर इंसान ने तरक्की की और उसके बाद में ना कुछ स्मार्ट इंसान वो आए और बोले कि ये सब क्या कर रहे, इसके वजह से है ना पूरा फॉरेस्ट तोड़ रहे, सब खत्म हो रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही, तो ये सब मत यूज करो, इसके बजाय यूज करो पॉलीथीन बैग, कैरी बैग, ये सब यूज करो। तो इंसान ने कैरी बैग बनाया, पॉलीथीन बैग बनाया, लाइट वेट, मजबूत, एकदम सबका काम, ऐसे जेब में रख के चले गए, सबका काम होने लग गया। तो 50 साल इंसानों ने ना वही कैरी बैग ये वो सब कुछ यूज किया और उसके बाद में ना इंसान ने और थोड़ी की तरक्की की और फिर उन्होंने नया लाया, उन्होंने लाया कि ये पॉलीथीन बैग क्यों यूज कर रहे हो, इससे वो इसको जमीन में गाड़ेंगे तो ग्राउंड पोल्यूशन हो रहा, इसको जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो रहा, इसको अगर तुम पानी में बहा देंगे तो वाटर पोल्यूशन हो रहा, इसको तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही, टेम्परेचर बढ़ रहा और एनवायरमेंट खतरे में आ रहा, इसके बजाय तुम क्या यूज करो, पेपर की बनी हुई बैग, जूट का बना हुआ बोरा, अपनी टोकरियां बैम्बू स्टिक के बने हुए टोकरियां यूज करो, ये सब यूज करो, कपड़े की बैग यूज करो, ये सब यूज करो, ऐसे स्मार्ट है इंसान। यस मतलब 50 साल पीछे और चले गए। Oh
गधा है। अगर ऐसे ऐसे आया ना तो मैं यही लिखूंगी सिर्फ। ये फैक्ट है, यही लिखना सीधे सीधे। एंटार्क्टिका में बर्फ भी पिघल रही है, भी लिखूंगी मैं। ये इंसान के ना इसी हरकतों के वजह से ना मोगली जंगल में भाग के चला गया था, और वो टार्जन भी ये सब इंसान के हरकतों के वजह से वो भी जंगल में चला गया। अभी मेरे को भी जंगल में जाने का। मैं जा रहा बैग भर के जंगल में। अभी मोबाइल लेने का नहीं, मोबाइल तेरे को इसलिए दिए वाले कि ताकि तू कुछ सर्च कर सके, कुछ ये कर सके। लेकिन तू अगर उसके अंदर वो ये करने लगेंगे तो मार खाएंगे। हम पहले बोल दे रहा टाटा जाओ बाय। हाँ मैं नहीं लूंगी मोबाइल अभी। हाँ चले गए यार। मतलब इंसान कितना कितना अच्छा है, कितना अच्छा इंसान है। यार ये सब हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन है ना अभी मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है। मुझे है ना सिर्फ पास ही नहीं होना, मुझे है ना अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, केम छो मज्जामा, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है मेरे बोर्ड्स का सेकेंड एग्जाम, और सेकेंड एग्जाम है मेरी सेकेंड लैंग्वेज मराठी का। आप लोग बताना आपकी सेकेंड लैंग्वेज क्या है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और आज मैं ना यूनिफॉर्म नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि है ना मैंने वहाँ पे देखा कोई भी ज़्यादा लोग है ना यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी यूनिफॉर्म नहीं पहनती हूँ। मैंने ना ये वाली कुर्ती पहनी है, बताना कैसी लग रही है। तो अभी है ना सब लोग उठ गए घर में, सबके सब, मतलब मेरी एग्ज़ाम होती है ना तो सभी को टेंशन होती है, सब लोग उठ जाता है। देखो नानी को मैंने यहाँ पे बोला था रहने तो मैं रोटी वोटी अभी थोड़ी ना खाऊंगी, लेकिन नानी बोली कि नहीं नहीं खाते जा, नहीं तो फिर वहाँ पे भूख लग जाएगी और चक्कर वक्कर आ जाएंगे। भूख लगती ना मंगा था क्योंकि दोनों आज तक कर सकते हैं ना। तो अभी है ना सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे तैयारी भी करनी है। तैयारी मीन्स यही कि यार पेन चेक करने, पेन तो मैंने कल रात को ही चेक करके रखे थे कि सारे पेन चल रहे हैं क्या, या फिर जो ख़त्म हो गए वो साइड कर दो, ये सब भी चेक करना पड़ता है यार, बोर्ड्स एग्जाम होते हैं ना। हाय मम्मी, आप टेंशन मत लो, ये मम्मी रात भर नहीं सोई है। मम्मी पता है ऐसे कर रही है जैसे उन्हीं के एग्जाम चल रहे हैं, रात भर नहीं सोई है, टेंशन मत लो। अरे मेरे को ऐसे लग रहा था ना पेपर ही मतलब अपन पहुंच ही नहीं पाए, मेरे को ऐसे ही सपने आ रहे थे। बाप रे इतने भयानक सपने कैसे देख ले। तू जल्दी उठी नहीं, मैं जल्दी उठी नहीं, ऐसे सपने भयानक भयानक सपने आ रहे थे मेरे को। हाँ ये जल्दी उठने का सपना मेरे को भी आया था कि मैं जल्दी नहीं उठी हूँ, वहाँ पे लेट पहुँची हूँ, इसीलिए मैं एकदम से उठ गई। मेरी आंखें भी सूज गई, ऐसे सपने में रो रही थी, कैसे कैसे हो गया मेरे से। थैंक्स आई, देखो किस किस की नानी ऐसे करती है, इतना ख्याल रखती है मेरी नानी। एग्जाम तो चले जाना, फिर उसके पहले मेरे को कैट फूड में मच्छी डाल के जाना। यार मुझे है ना चाय रोटी खाना बहुत पसंद है, और वो जो मीठी रोटी होती है ना शक्कर वाली, वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। किस किस ने मीठी रोटी खाई है बताओ तो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या अलग मजे है, ये देखो ऐसे मस्ती करते रहती है दिन भर। वैसे बताओ यार किस किस को कैट्स बहुत पसंद है और किस को डॉग्स पसंद है। गुड मॉर्निंग जी, सुने ये दादा का शर्ट क्यों पहना। मराठी के पेपर में अगर कोई आंसर नहीं आया तो वो क्वेश्चन पेपर वैसे का वैसे बिना फुल स्टॉप के ना आंसर शीट में लिख डाल लेगा। ठीक, कुछ ज्ञान की बात बोल। एग्जाम में ना भका भक श्री पे ना लिखते रहने का पूरा पेपर काला नीला कर डालने का, और ऐसे दिखाने का कि ना हम घर से बहुत पढ़ के आए वाले, और पूरा लिख डाल लेगा। ये देखो ये रहा मेरा राइटिंग पैड, स्केल, और ये पाउच। मम्मी हॉल टिकट दे दो ना निकाल के। हॉल टिकट है ना मम्मी को दिया था मैंने कि मम्मी आप ही रख दो इसको, इसलिए अभी मैं मांग रही हूँ। और इसमें ये आई कार्ड है ना। हाँ आई कार्ड भी है इसमें, ये ले। थैंक्स। ये रहा मेरा हॉल टिकट, सारा सामान ले लिया, पानी की बॉटल भी ले लिया, सब ले लिया। चलो रेडी हो। यस पापा चलो। चलो सारी तैयारी हो गई, टाइम भी हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं एग्जाम देने के लिए। लेट
चलो जा रहे हैं हम लोग फाइनली। हाँ बहुत ज्यादा लिखा और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ 10-20 मार्क्स से उनको ज्यादा लिखने का। ठीक है चलेगा मम्मी, बहुत सारा लिखूंगी। हैंडराइटिंग अच्छी निकल। आज मराठी का पेपर है। हाँ पापा, इंग्लिश की लिखने की आदत रहती है लेकिन हिंदी मराठी ये थोड़ा सा हार्ड जाता लिखने के लिए। ठीक है हाँ मैं अच्छे से लिखूंगी और जो निबंध ऐसे होता है वो भी लिखूंगी अच्छे से। ओरल में ना बड़ा मजा आता है, जिसका लास्ट रोल नंबर रहता है ना बहुत मजा आता है, 2 दिन तक चलती है फिर ओरल। और मेरा पता है नंबर है ना 400 है, सबसे लास्ट हम तो ओरल में देखो पता चलता होगा ना क्वेश्चन क्या है। हाँ तो वही रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, 10 होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। फिर हाय कैसे हो सब? अच्छे। अच्छा अभी तुम्हारी स्कूल छुट्टी है? अब मैं जाऊंगी अंदर एग्जाम देने। ये हमारी स्कूल है। हाँ बेटा ऑल द बेस्ट तो बोलो। थैंक यू। क्या सेम ही क्लास में पढ़ते हो, मेरे को दीदी बोल रही है अच्छा लगता है देखा से। आना बैठना। देखो अभी तक है ना गेट नहीं खुला है, हम लोग है ना जल्दी आ गए हैं बहुत। अभी 10-15 मिनट में गेट खुलेगा फिर मैं जाऊंगी एग्जाम देने। चलो गेट खुल गया अभी हम जा रहे हैं अंदर। बाय मामा। बाय ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय पापा। चल छोड़ने के लिए। हां चल आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दो मम्मी। अब मुझे क्या पता था कि ये पेपर मुझे बहुत हार्ड जाने वाला है, बट लेट्स सी कैसे जाता है आज का एग्जाम। ये देखो पानी की बॉटल। वाओ मैं नहीं दूंगी, देखो इतनी बड़ी पानी की बॉटल ला रहा हूं मैं। अच्छे से ढूंढ लूंगी मैं। चलो मैं ढूंढ देता हूं। पेपर का नंबर ढूंढ। हां हां अभी हाई स्कूल से होता है। मैं बोला मैं बोला उसको अच्छा लिख बोला पेपर। गई अभी एग्जाम देने 3 घंटे। अब हम बस यही घूमेंगे इधर उधर या फिर घर पे जाके आएंगे। मराठी में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, सेकंड लैंग्वेज है ना वो, तो उसमें ना अच्छा खासा लिखना पड़ता। हमको इंग्लिश लिखने की आदत रहती, मराठी लिखने की इतनी आदत नहीं रहती या हिंदी लिखने की आदत नहीं रहती। तो 2 बज गए अभी, पेपर अभी छूटने में होगा मुझे ना, ऐसे थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया। फेमस होने के ना कभी कभी कुछ नुकसान भी रहते हैं, जैसे कि बिल्कुल हम काव्य को वेट नहीं करा सकते। अगर उसका पेपर अभी छूटना है तो हमको 10 मिनट पहले वहाँ पे मुझे कोई भी काम छोड़ के आना ही होगा उसको रिसीव करने के लिए। बहुत ध्यान रखना पड़ता सिक्योरिटी का। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक काम कर मेरा आना नहीं होगा, तू ऑटो पकड़ ले घर चले जा या फिर तू कोई कैब कर ले, नहीं कर सकते। आना ही पड़ेगा, सारा काम कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो वो छोड़ के उसको रिसीव करने आना ही पड़ेगा। तो पेपर छूट गया है और अभी काव्य आने वाली है बाहर। कैसा गया पेपर? अच्छा गया सच में? हाँ ना, तो लग रहा नहीं तेरे शक्ल से कि अच्छा गया पेपर। देखो अच्छा गया मेरा पेपर, मैंने ना सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, लिखना मराठी बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा। और मेरे को कैसे इंग्लिश में फास्ट लिखने की आदत है, तो मराठी बहुत हार्ड जा रहा था मुझे लिखने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हुई है। और मेरे को उसी बात का बहुत टेंशन आ रहा है, अब कैसे होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जितने भी थे क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन है ना लिखना इतना हार्ड जा रहा था ना मेरे को। 80 मार्क्स का पेपर था ना? हाँ 80 मार्क्स का। तो कितने पूरा लिखा गया 80 मार्क्स का? पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जितने भी थे। सप्लीमेंट लिया क्या आज? आज नहीं लिया मैंने सप्लीमेंट। तो पूरे पेजेस भर के लिख दिया? हाँ पूरे पेजेस भरे और जरूरत ही नहीं पड़ी। और कितने पेजेस बाकी रहे? दो ही
3 pages. तो फिर भी बहुत लिखा ना, फिर कम से कम 25 पेजेस लिखे ना। हाँ 25 पेजेस लिखे, और हमारे जो टीचर थे ना उनको ऐसे लग रहा था कि मुझे मराठी नहीं आती। हाँ। तो मेरे पास आके मुझे मैम ने पूछा कि मराठी आती है क्या, मतलब मराठी समझ आती है? तो मैंने बोला अरे मैडम मेरी मदर टंग ही मराठी है, मेरे को आती है मराठी। तो बोला था ना मैडम को कि नहीं मुझे मराठी नहीं आती, तो मैडम कुछ हेल्प कर देती थी। अभी हम लोग है ना पेपर के बाद में दिमाग को थोड़ा ठंडा करने के लिए गन्ने का जूस पियेंगे, शुगर केन जूस, ये देखो। ये घूट में पी लेते हैं पप्पा इसको ऐसे। हो गया खत्म, आनंद आ गया। तेरे को भी नहीं गया इसमें? नहीं 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 पक्का? बाप रे कैसे पी लेते पापा। आनंद आ गया, आनंद आ गया। और आपको पता है पापा, लास्ट में जब मैंने मैम को पेपर दिया ना, तब मैंने मैम का आशीर्वाद भी लिया, और मैम ने बोला कि हमारे जितने भी टीचर्स है ना उन सबको तेरे साथ में फोटो लेना है। मम्मी का फोन आया। हेलो हेलो, हाँ आ गई क्या हमारा? हाँ आ गई ना। कैसे गया पेपर? गया अभी ठीक ठाक, आ रहे अभी घर पे ही आ रहे। घर पर चलो अभी है ना, ऊपर चल के मम्मी को बताते हैं कि अच्छा गया मेरा एग्जाम, क्योंकि मम्मी भी बहुत टेंशन लेती है मेरी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? अच्छा नहीं गया पेपर? चेहरे से तो नहीं लग रहा है, मेरे को लगा ही तो मम्मी को पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेपर कुछ दिनों के बाद है, तब तक अच्छी स्टडी करेंगे और कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।